नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। कोरोना वायरस को लेकर हमारे देश में अलग अलग तरह की बातें वायरल हो रही हैं। कुछ लोग इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कोरोना वायरस को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। इसीलिए आज हम आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के आधार पर कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसके बाद आप लोग कोरोना वायरस को लेकर व्यर्थ की चिंता नहीं करेंगे। साथ ही जो लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं हैं वो लोग भी सावधान हो जाएंगे। आपको बता दें कि WHO की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस से पॉजिटिव कई ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है, कुछ समय बाद नॉर्मल दवाइयों के द्वारा ही कोरोना वायरस से निगेटिव पाए गए। मतलब साफ है कि यदि आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो कोरोना वायरस आपके लिए ज़्यादा खतरनाक नहीं है। बावजूद इसके अगर आपको अपने अंदर कोई भी कोरोना वायरस का लक्षण नज़र आता है तो अपने फैमिली मेम्बर्स और करीबियों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए आपको उनसे दूरी बना लेनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि आपको आने वाला खांसी या जुकाम नॉर्मल खांसी जुकाम है या कोरोना वायरस के लक्षण है। तो आपको बता दें कि कोरोना वायरस के दो प्रमुख लक्षण हैं, पहला लगातार सूखी खांसी आना और दूसरा बुखार। यदि आप बहुत ज़्यादा छींक रहे हैं, आपकी नाक बह रही है या आपको बुखार भी हुआ है तो आप बीमार तो हो सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कोरोना वायरस हुआ है। तकनीकी तौर पर यदि आपके शरीर का तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो गया तो आपको सभी लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए और मुंह पर मास्क लगाकर ही किसी से बात करनी चाहिए और सरकारी अस्पताल जाकर खुद ये जांच करानी चाहिए कि आपको कोरोना वायरस हुआ है या नहीं। गली गली और मोहल्ला करते करते हो हल्ला, गली गली और मोहल्ला करते करते हो हल्ला, हल्ला हो हल्ला हल्ला। आज जो कल पूरा हिंदुस्तान में जो है जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसके लिए आज हम लोग यहाँ पर वार्ता बुलाई है। मैं शाहजहाँपुर के व्यापारियों से अनुरोध करूँगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उनकी जिज्ञासा है कि एक दिन अगर हम लोग बंद करते हैं तो जो वायरस है, जो कोरोना वायरस है, वो 9 से 12 घंटे तक जो है अगर उसे कहीं भी प्रवेश नहीं मिलता है किसी जीव में या मनुष्य में तो वो स्वतः ही मर जाता है। तो ये कल एक बहुत बड़ा अभियान है, ये देश के लिए अभियान है, ये हमारे लिए अभियान है। इस सब में सहभागिता करते हुए कल अपने घर से ना निकलें और अपनी दुकानों को बंद करें, रात के 9 बजे नहीं उसके बाद भी ना खोलें। अगर जितना समय हो उतना समय अपने घर में दीजिए, अपने परिवार को दीजिए, कहीं घूमने मत जाइए। दूसरा, हम व्यापारियों से ये अनुरोध करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे हाथ जोड़कर कि सैनिटाइज़र और मास्क पर ब्लैक बिल्कुल ना करें। ये समय पैसा कमाने का नहीं है, ये समय देश के लिए खड़े होने का है, ये समय अपने लोगों को बचाने का है। ये महामारी है। जो देश ये कह रहे थे कि हमारा क्या होगा, चाइना है, अमेरिका है, इटली है, जर्मनी है, देखिए ईरान है, देखिए उनका क्या आज हाल हो रहा है, तो ऐसा हमारे यहाँ ना हो। तो सबको सहयोग करें, सबका साथ दें। नमस्ते, जो कि आज पूरा विश्व अपना रहा है, आप लोग भी अपनाइए, एक दूसरे से ज़्यादा ज़्यादा हाथ मिलाने से बचें, गले लगने से बचें, नमस्ते से अभिवादन करें। और जो प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है, लोगों से अपील की है, उसमें आप सभी लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चूँकि ये जनहित में है, राष्ट्रहित में है, यदि राष्ट्र रहेगा तभी आप भी रहेंगे। विरोध करने के लिए भी दोस्तों जिंदा रहने की आवश्यकता होती है। मैं तो यही कहूँगा, ये सारी चीज़ें भूल के हम लोग एकता का परिचय दें और इस जनता कर्फ्यू का हम लोग समर्थन करें और अपने घरों से ना निकलें, क्योंकि बचाव ही आपकी सावधानी ही आपका बचाव है। और मैं इसके साथ ही ये कहना चाहूँगा कि ये लोग मजाक में भी लिख रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है वो इतना स्वाभिमानी है, जब तक आप उसको अपने घर से बाहर लेने नहीं जाएंगे तब तक वो आपके घर नहीं आएगा। तो आप बच तभी सकते हैं जब आप अपने घर में हैं, लोगों के संपर्क से दूर हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कौन व्यक्ति संदिग्ध है, कौन कोरोना की चपेट में है, जिसके संपर्क में आके आप और आपका परिवार भी चपेट में आ सकता है। तो आप उससे बचें, आप अपने घर में रहें और 22 मार्च को हम लोग इसका समर्थन करें, अपने घर पर अपना समय बिताएँ। धन्यवाद, थैंक यू। 22 मार्च को जो जनता कर्फ्यू का आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया है, ये एक ट्रायल बेसिस पे किया है। उन्होंने ये सोचा है कि अगर हम इस तरह का कोई प्रयोग करते हैं तो क्या इस ये जो चेन है इसकी वायरस की, इससे कुछ कमी आएगी, ये कुछ मरेंगे, तो एक तरह का ये ट्रायल है। अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो आने वाले समय में हम इस तरह के और भी आयोजन देखेंगे। आपने देखा जैसे इटली है, फ्रांस है, इन्होंने भी ये जनता कर्फ्यू लगाए हैं और इससे काफ़ी हद तक इस वायरस को रोका है।
और जहाँ तक कि भारत का सवाल है, तो भारत में संसाधनों की बहुत कमी है। वी आर डेवलपिंग कंट्री, वी आर नॉट डेवलप्ड येट। तो हमारे यहाँ क्या, अगर ये महामारी भारत में फैलती है तो ये बहुत भयानक रूप ले सकती है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी सजग हैं, हमारी जनता के लिए सोच रहे हैं, और जनता को भी ये सोचना चाहिए कि हम प्रधानमंत्री के साथ इस विषम परिस्थिति में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों और अपना दायित्व जो है उसको पूरा करें, निर्वहन करें। और ये 22 मार्च ही नहीं, आने वाले समय में, आने वाले 15 दिन या 20 दिन या हो सकता है 1 महीने, ज़रूरत पड़ने पर ही घर से निकलें। और अगर निकलते हैं यदि आप, तो जो भी आपको बताया गया है अपने सावधानी बरतें, ग्लव्स पहने, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र अपने पास रखें, आप अपने आसपास के वातावरण को सैनिटाइज करके रखें। ये सबसे बड़ा योगदान होगा इस महामारी से बचने के लिए, एज अ ह्यूमन, एज अ जनता आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। धन्यवाद।